पॉलीहाइड्रियोमनोस मतलब बच्चेदानी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पानी की मात्रा ज्यादा होना। नॉर्मली ये जो पानी है अगर हम इसे अल्ट्रासाउंड में कैलकुलेट करते हैं तो AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखा जाता है जो कि 8 से 15 तक होता है। 15 से 19 के बीच में इसे हम बोलते हैं कि नॉर्मल है बट थोड़ा सा हाई है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, लेकिन आपको आगे बार बार अल्ट्रासाउंड करा करके ये देखना रहेगा कि ये लाइकर पानी कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, आप कहीं डायबिटिक तो नहीं हो रहे, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में अगर शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं तो भी वाटर लेवल बढ़ जाता है। थर्ड चीज जो एक इंपॉर्टेंस वाली है कि अगर आपके आगे के सोनोग्राफीज में ये देखा जाता है कि वाटर लेवल बार बार बढ़ता ही चला जा रहा है तो डॉक्टरों से खुल के पूछना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर में कहीं कुछ बनावटी खराबी तो नहीं है, खासकर अगर उसको कुछ निगलने में दिक्कत है, उसकी फूड पाइप नहीं बनी हुई है या फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में एक रास्ता बना हुआ है, तो ऐसे में भी वाटर लेवल बढ़ जाता है।